दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के चलते हम सब बैठ के घर पे बोर हो रहे हैं, तो आइए हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएं कि जिससे हम वेस्ट चीज़ों का उपयोग भी कर सकें और हमारा मन भी उस काम में लगा रहे और हमारी बोरियत भी दूर हो जाए। तो आइए चलते हैं। देखिए, मेरे पास ये कुछ स्टोन्स पड़े हुए हैं, तो ये मैंने इनमें कलर करके इनको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने की कोशिश करी। तो मैंने इसमें फैब्रिक कलर किया है और फैब्रिक कलर करके मैंने इसमें कार्टून बनाया है, और ऐसे ही इसमें मैंने बटरफ्लाई और फ्लावर बनाए हैं, और इस वाले में भी मैंने एक छोटा सा आउल बनाया है, और इधर मैंने इसको सीनरी दी है। तो आप भी इस तरह से फैब्रिक कलर का यूज़ करके इसमें तरह तरह की पिक्चर्स बना सकते हैं और इसको पॉट में पौधों के नीचे अरेंज कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास इसी तरह से कुछ कुल्फ़ी की खाली मटकियाँ पड़ी हुई थी, तो उसमें मैंने इनको ऑयल पेंट किया हुआ है, और ऑयल पेंट करने के बाद मैंने हर मटकी में कुछ ना कुछ फ्लावर बनाए हैं। जैसे इसमें फ्लावर बना रखा है, और इसमें भी मैंने डॉट्स से कुछ डिज़ाइन दी है। इस तरह से मैंने इसमें छोटी छोटी लीव बनाई हुई है, और इसे भी इस तरह से प्यारा सा आकार दिया है। तो आप भी इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसको हमने इसमें एक रैक में इसे अरेंज करके लगा दिया है। इसमें हम छोटे छोटे प्लांट भी लगा सकते हैं और इसको इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए ये, ये देखिए, ये मैंने कोकोनट सेल से पेंट करके इसमें मेटालिक पेंट किया है, और इसमें छोटे छोटे डॉट्स दिए हैं, और इस तरह से इसमें मिट्टी भर के ये पौधा सजाया है। और ऐसे ही ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने बॉटल को ऊपर से टॉप में काट के और इसमें मिट्टी भरी है, और इसमें मैंने ये सी वर्ड बनाया है। तो इस तरह से आप भी इसे बना सकते हैं। ऐसी ही एक ये शैम्पू की बॉटल थी, जिसे मैंने ऊपर से टॉप में कट करके इसमें मनी प्लांट का पौधा लगाया है, तो ये और इसमें प्यारी सी सीनरी बनाई है। और ऐसी एक बॉटल और है जो मैंने यहाँ से कट करके इसमें बर्ड्स का पिक्चर बनाया हुआ है, और इसमें ऊपर से ये करके आप इसमें आराम से, मैंने इस बॉटल में एक ऊपर से प्लांट लगाया है और इस तरह से बॉटल को डेकोरेट किया है, तो आप इस तरह से उसे फ्रंट में प्यारा सा पिक्चर बना सकते हैं। ऐसी देखिए, मैंने इस बॉटल में भी फ्लावर और बटरफ्लाई की पिक्चर बनाई है, और इसे इस तरह से ऊपर से इसमें प्लांट लगाया है। और इसी तरह से एक मेरे पास ये इन्हेलर का वो था, पॉट खाली था, तो मैंने इसमें इसको प्यारा सा हैंगिंग करके ऊपर से ऐसे एक प्लांट लगा दिया है। तो आप भी इसको इसी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये छोटे छोटे पत्थर को अरेंज किया हुआ है, इसको आप पॉट के नीचे पे लगा सकते हैं। छोटे छोटे स्टोन्स को आप पेंट करके इस तरह से गमलों के पास नीचे लगा सकते हैं, इससे ये आपका प्लांट में और खूबसूरती बढ़ जाएगी।